The women are not safe in Delhi. आप निकल के देखिए, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता है, कोई हिंदू नहीं रहता इस देश के अंदर। आपके बच्चों की एजुकेशन खतरे में है और आपका रोजगार खतरे में है। और वो शक्ति आज कहाँ है जिस देश में 20 करोड़ लोग आपको भूखे सोते हैं, कहाँ पहुँच गए भगवान? है भगवान के नाम पे आप महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, आप सजा क्यों नहीं दे रहे उनको? मैं बोल रहा हूँ सरकारों की बाप में ताकत है तो FIR करके दिखाए, मैं तैयार हूँ ना, करें FIR करते ही नहीं हम पे। तो स्वागत है आपका जनहित आवाज़ में, मैं हूं आपके साथ पूजा। और आज यहां गांधी पीस फाउंडेशन में जो आज जन आंदोलन रखा गया और किस लिए रखा गया, अभी हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट जी जो एडवोकेट हैं। सर, यहां पर जो मुद्दे रखे गए वो किस लिए रखे गए हैं और क्यों आपको यहां पर जो आकर के एकत्रित होना पड़ा? देखिए, पूरे देश में एक ही मुद्दा है कि लोगों के जो अधिकार हैं, जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के अधिकार नहीं दे पा रही है। तो हकदारी आंदोलन यहाँ पर हम एक तैयार किया था। यहाँ बहुत लोग आए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोग यहाँ बैठ के एक चिंतन कर रहे हैं कि कैसे जो मौजूदा सरकार कर रही है लोगों के साथ में वो ना करे, संविधान को कैसे बचाया जाए। जो जगह जगह आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में जो सरकार है वो भागीदारी को कम कर रही है और कुछ चंद लोगों को, देश की पूरी जो संपदा है उसको लूट कर दे रही है। यहाँ से जो लोग, कुछ लोग देश के माल को, जो पैसा है ना, उसको लूट कर ले जा रहे हैं, मगर सरकार चुप बैठी हुई है। और जिनको जो अधिकार देने चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को नहीं दे रही है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि देश के संविधान गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 ए ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर लोगों को एजुकेशन नहीं है। अगर जो सरकारें हैं, सरकार अपने लोगों को अगर एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगी तो कैसे उम्मीद करेंगी कि वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे? अगर अच्छा देश बनाना है तो अच्छे नागरिक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको ज्ञान हो, जो अगर ज्ञान होगा उनको, तो क्या कानून है, क्या संविधान है, क्या अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, वो उनमें होगा। तो इसलिए लोग, जो सरकार हैं, सरकार लोगों को मजदूर बनाने का काम कर रही है कि मजदूर रहेंगे, पेट तक की उनकी आग रहेगी, सवाल नहीं कर पाएंगे। सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार गलत भी कर रही है तो फिर भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए सरकार जानबूझकर, सरकार में बैठे हुए लोग जानबूझकर लोगों को अनपढ़ बना रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। क्योंकि अगर रोजगार भी देंगे लोगों को तो रोजगार से पैसा आता है, पैसे से लोग अच्छी सुविधा कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए लोगों को सिर्फ पेट तक लड़ाई लड़ने तक सीमित कर दिया है। 95% को ओनली 5% लोग हैं इस देश के अंदर जो 85% जो पैसा है उसको दबाए बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं रहेगा, आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखी होगी, 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं, 20 करोड़ लोग। किसी से देश, जो छोटे छोटे देश हैं उनकी जनसंख्या भी नहीं है 20 करोड़, और यहाँ 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? वो सारे लोग जितने भी हैं गरीब और बहुजन लोग हैं, उनकी तरफ देश में नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर अनपढ़ लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देखा जाता है। अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार छीन लिया। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 15-15 लाख रुपये देंगे, किसी को दिया 15 लाख रुपया? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता सकता है कोई? प्रधानमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का नाम बताएंगे कहां से कहां तक चल रही है? इतने झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश में कभी पहले नहीं आए और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं आएंगे। सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान की कितनी बात करा लो, गाय की बात करा लो इनसे, इनको पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करा लीजिए, कब्रिस्तान की और शमशान की बात करा लीजिए। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करता हो, जाति की बात करता हो, धर्म की बात करता हो, उस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे कि संविधान की बात करेंगे? संविधान ने तो लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ जितना मुसलमानों का देश है उतना हिंदुओं का देश है, जितना हिंदुओं का देश है उतना क्रिश्चियनों का देश है, और जितना क्रिश्चियनों का है उतना ही बुद्ध जैनियों का भी है, सबका बराबर का देश है ये। ये किसी का एक का देश नहीं है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनका देश है, और देश लोगों से बनता है, और लोग ही सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो जो मौजूदा सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके गलत काम हैं, उनको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं।
जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। नहीं, नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुजन पार्टी जिनको हम बोलते हैं वो सही काम नहीं कर पा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से और माननीय काशीराम साहब से जब जब भी सवाल मीडिया ने करा कि आपको यू वांट टू सोशल जस्टिस, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब ने हमेशा कहा है कि यस सोशल जस्टिस के साथ साथ आई वांट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सोशल जस्टिस डिपेंड करती है रूलिंग पार्टी के ऊपर। अगर रूलिंग पार्टी का मन करा तो आपको देंगे अधिकार, रूलिंग पार्टी का मन नहीं करा तो अधिकार नहीं देंगे। रूलिंग पार्टी का अगर मन करे तो पुलिस FIR करेगी आपकी, अगर उनका मन नहीं करता FIR नहीं करेगी, आंदोलन करते रहो। रूलिंग पार्टी का मन हुआ तो एजुकेशन देगी आपके बच्चों को, अगर नहीं है तो नहीं देगी आपके बच्चों को। रोड बनाने का मन हुआ तो रोड बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी आपके लिए। तो जो सोशल जस्टिस का जो काम है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी गवर्नमेंट आई और आपको सोशल जस्टिस दे रही है तो आपको लगेगा कि पूरे देश में सोशल जस्टिस है। अगर 5 साल के बाद कोई बदल जाता है तो उसके बाद ही कहता सोशल जस्टिस है नहीं यहाँ पे। उसका एक सच्चा उदाहरण है कि 2007 से लेकर 2012 तक जब मायावती जी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में तो जीरो बैलेंस पे वहाँ पे एडमिशन हुआ करते थे, आपने सुना होगा, मगर आज नहीं है वो पॉलिसी। तो उनसे लाखों बच्चों को एडमिशन मिले और उनको फायदा हुआ, आज नहीं है। सोशल जस्टिस कहाँ है? तो सोशल जस्टिस के साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मगर लोगों के अधिकार नहीं मारे जाएं, लोग जागरूक हों, लोग पढ़े लिखे लों, लोग अपनी बात को कर सकें। जिस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि वो IAS TCA डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील यहाँ तक पत्रकार और देश के सबसे बड़े जो पद है राष्ट्रपति पर पहुँच सकें, आज उनकी हालत देख लीजिए दिल्ली के अंदर। तो वुमेन आर नॉट सेफ इन दिल्ली, आप निकल के देखिए। समाज ने कभी हमेशा दिया ही दिया है, समाज के साथ में हमेशा चीटिंग होने काम किया है। जो बहुजन लीडर जिनको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से डरे हुए हैं, या तो उन्होंने माल बहुत कमा लिया है, या CBI का डर दिखाया जा रहा है, या ED का डर दिखाया जा रहा है, या जेल में भेजने का डर दिखाया जा रहा है। जब इंसान को डर हो जाता है तो अपने लोगों की बात नहीं करता है, वो मौजूदा सरकार के साथ में मिल जाता है। तो वो मिल चुके हैं सरकार के साथ में, लोग तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मिलते हैं, तो इनडायरेक्ट लोग मिले हुए लोगों को पता नहीं लगता। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, समाज के साथ साथ छोड़ो एक मानवता का नुकसान हो रहा है और संविधान पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आप जुडिशरी की बात करेंगे, कोई भी आदमी कहेगा हाँ तुझे कोर्ट में देखूंगा, I will see in the court, कहते हैं ना सर लोग कोर्ट में। अब कोर्ट का हाल क्या है? कोर्ट में भी देखेंगे हाँ भाई बताओ मुकदमा किसका, टाइटल देख के तो वहाँ पर हो रहे हैं सारे। और सुप्रीम कोर्ट जिसके सब कोर्टों का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ पर जाति देखकर धर्म देखकर अगर मुकदमे होंगे वहाँ पर डिसीजन होंगे। 10% रिजर्वेशन का देख लिया आप, 10% रिजर्वेशन के 3 मुद्दे दिए गए कि बेसिक स्ट्रक्चर से अगेंस्ट नहीं है, ये सोल ओनली उन्होंने कहा कि जो एक बेसिस है उस पर इकोनॉमिक बेस पे क्या किसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान की पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं उनमें कहीं भी नहीं है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि केवल एक जाति को या कुछ अन्य जातियों को सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कभी भी, मगर आज दे दिया, कर लो क्या करना। तो संविधान को कहीं ना कहीं वो सर पर रख रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि सर पर रख रहेगा संविधान, संविधान का हम पालन करते हैं, संविधान के बनाने वाले का पालन करते हैं, मगर बात नहीं मानेंगे। बात हम स्टेटस को की करेंगे, जो स्टेटस को बना हुआ है उसको रखेंगे। भैया 4 मंजिल की जो मीनार जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, इसको बना रखेंगे हम, समाज में आज भी है, आप जाइए देखिए समाज में। तो जो यहाँ पर जो माननीय काशीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया था, सबको इकट्ठा करने का, भाईचारा करने का दिया था, वो ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। और लोगों में एक प्रकार से इतना डर बैठा दिया गया है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लंबेरिज नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम से लंबेरिज नहीं कर सकता और मुसलमान हिंदू से नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं है क्या? इंसान है ना, संविधान देता ना, Article 21 गारंटी देता है, कोई भी अपना जीवन साथी चुन सकता है, यू कैन चूज योर पार्टनर। आप तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं, अभी यहाँ क्या बना रखा है, इनकी सोच क्या, सोच देखिए ना। एक किसी लड़की का अगर मर्डर कर देता कोई आदमी तो उसको तुम सब पे आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। लोगों को निकलने दो, लोगों को जीने दो यार। आप डिसाइड करेंगे कौन क्या पहनेगा, लड़की क्या पहनेंगी, लड़के क्या पहनेंगे। आप प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूँ लोगों को क्या है, तो ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले ही हैं और मुझे लगता है कि आखिरी होंगे। तो देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को वो लोग चाहिए जो लोगों से प्यार कर सकें, लोगों से मोहब्बत कर सकें, लोगों को उनके अधिकार दे सकें, लोगों को सम्मान दे सकें, लोगों को अच्छा जीना। ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता है
कोई हिंदू नहीं रहता इस देश के अंदर। आप जाइए कौन है, हम जैन साहब हैं, कौन है जी, हम ब्राह्मण साहब हैं, हम कौन, हम गुप्ता साहब हैं, हम कौन, हम फलाने साहब हैं, हम कौन, ढिपाने साहब हैं, कोई हिंदू नहीं बताता अपने आपको, कोई बताता बता दीजिए आप जिसको, हम चौधरी साहब हैं, हम वर्मा साहब हैं, हम धमाके साहब हैं, या कोई कहता कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। धर्म जो है सनातन धर्म है, उसको कोई जानता नहीं है, वो सनातन धर्म को कहें हिंदू धर्म ही नहीं है। पहली बात तो हिंदू एक षड्यंत्र है उन लाखों करोड़ों के खिलाफ उनको बेवकूफ बनाने का, कोई धर्म नहीं है हिंदू, और ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका इलाज पहले ही कर दिया था संविधान के अंदर, उनको पता था कि ये चालाक लोग हैं। अगर मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा इसकी, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है ये, इंग्लिश में इंडिया और वैसे भारत, हिंदुस्तान नहीं है। कुछ लोग हिंदुओं का स्थान बनाना चाहते हैं इसको, ये सबका स्थान है जो भी यहाँ रहता है, कोई धर्म को मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, कोई भगवान को मानने वाला, जैसे मेरा आदमी, मेरे जैसे आदमी है जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उनकी भी जगह है यहाँ पे, बताइए ना भाई। जो 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो वाहिगुरु को नहीं मानता, जो किसी ऐसी शक्ति को नहीं मानता, जो इंसानियत को मानता है, वैसे लोग भी तो रहेंगे ना यहाँ पे, तो मेरे जैसे लोगों की जगह ही नहीं फिर तो यहाँ पे, आप बताइए। तो इसलिए इंसान जो है, धर्म इंसानों के लिए बना है, क्योंकि इंसान ने बनाया धर्म को, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया, तो इसलिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेले आदमी के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। तो हमारा जो देश है वो जातियों में बटा हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से इन्होंने वर्गों में बांटा, इनको करा कि भाई SC ST है, OBC है, माइनॉरिटीज है, अदर बैक बट है। OBC जो समाज है अपने महापुरुषों को नहीं जान रहा, क्योंकि वो उनको नहीं पढ़ता है। अगर OBC समाज अपने महापुरुषों को पढ़े, उनकी लड़ाई को पढ़े, उनके आंदोलन को पढ़े, तो सबसे ज़्यादा आंदोलन यही कर सकते हैं, और यही इन्होंने कराया। अब जो हिंदू बनने का जो रूप है, इनके जो लोग हैं, RSS के जो लोग हैं, जो हिंदू सभाओं के लोग हैं, वो लोग गांव-गांव में जाके बताते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदू ना खतरे में ना मुसलमान खतरे में, इस देश में इंसानियत खतरे में है, और आपके अधिकार खतरे में है, आपके बच्चों के एजुकेशन खतरे में है, और आपका रोजगार खतरे में है, आपकी बहन बेटी खतरे में है, और आपका सम्मान खतरे में है। तो हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है, ये एक झूठा प्रोपोगंडा है जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। मीडिया इस देश में एक प्रोपगंडा चलाती है, ऊपर से एक एजेंडा आता है, मीडिया उसको चलाती है। धन है सोशल मीडिया का, आप जैसे लोगों का, जो आप रियल बात को दिखाने का काम करते हैं। अगर इस देश में सोशल मीडिया नहीं होता तो अब तक तो क्या बना देते इसको, क्या बना देते पता नहीं। जो इंसान ये कहता है कि सबसे पहले सृजन शिवजी थे यहाँ पर, क्योंकि शिवजी ने एक बच्चे का गला काट के हाथी का सर लगा दिया उस पर, सबसे पहले सृजन है वो, तो आप उसकी बुद्धि का विवेक देख दीजिए, ये ना। आज तक कोई इतना बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं हुआ कि हाथी का ब्लड ग्रुप जो है इंसान के ब्लड ग्रुप में निकाल दे, तो फिर तो लोग बिना उसके ना भाई, बिना ब्लड के मरते ही नहीं लोग बाग। आजकल बिना ब्लड के लोग मर रहे हैं, तो फिर तो वहीं से ब्लड आ जाता, हाथी के ब्लड आ जाता, और हाथी का सर हमारे लग जाता, ब्लड हो जाता, उनको ये समझ ही जाइए। और वो कहते हैं कि भाई एक आदमी ने वो सूरज मुंह में ले लिया, ये ना भाई, हनुमान ने सूरज मुंह में ले लिया, और वो शक्ति आज कहाँ है जिस देश में 20 करोड़ लोग आपको भूखे सोते हैं, कहाँ पहुंच गए भगवान, जिस देश में, अरे जिस देश में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता हो, कहाँ भगवान, जिस देश में दलितों को हमेशा देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं पर दलित शुद्ध नहीं हुए, और दलित जहाँ भी हाथ लगा देता है तो भगवान ये शुद्ध हो जाता है, बताइए ना। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इन लोगों को शुद्ध करते भैया, इसी युग में उन्हें सजा मिल जाएगी। कृष्ण जी से किसने कहा, कृष्ण जी ने किससे कहा ये बताइए पहले, किससे कहा, मोहन भागवत से कहा, प्रधानमंत्री से कहा, किससे कहा ये बताइए ना, किससे कहा कृष्ण जी ने है? अरे ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर सारे जितने भी लोग होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, एक ही रास्ते से होते हैं, उनका होने का एक रास्ता है और मरने का एक रास्ता है, सबको जाना है, सबको मरना है। यहाँ पे इंसान जो आया है, इंसान इस दुनिया में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि इंसान के पास ज्ञान है, तर्क करने की शक्ति है, वो समझ सकता है कि कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है, वो समय समय पे अपनी प्रकृति को बदलता रहता है। पहले जो इंसान ऐसे नहीं रहता था, वो अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें आ रही हैं, और विज्ञान तरक्की कर रही है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो तो लड़ाने काम आता है भगवान। तो अगर कानून नहीं होता, अगर लॉर्ड मैकाले IPC नहीं बना के जाते, 1860 में IPC नहीं बनती, तो ये बाबा कभी जेल में नहीं जाते। राम रहीम बाबा, राम रहीम बाबा,
ये कौन कौन से बापा, झांसेराम बापा, आसाराम बापा, कौन से कभी नहीं जाते जेल में, आज जेल में पड़े हैं ना ये। अब कहाँ हैं जी भैया, क्या कह रहे हैं जी बताइए। देखिए जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं वो सब लड़ाने के काम आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान के जितने भी लफड़े कराते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें फिर उसके बाद में वो रोड्स में बदल जाते हैं। ये नेता कराते हैं, ये नेता लोगों को लड़ाते हैं और कुछ नहीं काम है। भगवान के नाम पे लड़ाते हैं ना भाई, भगवान के नाम पे कर रहे हैं। भगवान के नाम पे कोई मांग रहा है और भगवान उसको सजा नहीं दे रहा, भगवान के मंदिर में देवदासी प्रभुदासी है उनके नाम पर बलात्कार कर रहा महिलाओं के साथ में, जब भगवान को उनको सजा नहीं देता है। भगवान के नाम पे आप महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, आप सजा क्यों नहीं दे रहे उनको। एक आदमी बाहर बैठा हुआ तड़फ रहा है खाने खाने के लिए, भगवान अंदर लेकर मौज ले रहा है, सोना ले रहा है, तो उसको दिखाई नहीं देता। तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं हूँ और मैं लोगों से कहता हूँ नहीं मानो ऐसे लोगों को। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है उनके लिए, क्या परिवर्तन है बताइए आपके जीवन में। एक महिला के साथ में भगवान के वहाँ मंदिर में बलात्कार कर रहे हैं बाबा और भगवान कुछ नहीं कहता, बताए ना आप। तो भगवान के नाम पे ये जो अरे भैया भगवान का नाम इतने कसूर है कि भगवान को सजा देना, कब सजा देगा इनको भगवान। अगर इनको सजा नहीं दे सकता तो भैया मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो दोषियों को सजा नहीं दे सकता जो भगवान, तो भैया जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करेगा। तो फिर अपना जीवन जिए, एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। अगर तुम एजुकेशन ले लोगे तो आपको सब दर्शन हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एजुकेशन लेने के बाद में आपका दिमाग खुल जाता है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड, सब कुछ माइंड पर डिपेंड है, आपके दिमाग पर आपका कैसे सोचते हो कैसे नहीं सोचते हो। कबीरदास ने कहा ना, पत्थर पूजे रम मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस का संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर सबको पूछो ना, पत्थर पूजने वाले पत्थर ही हो जाते हैं, उनके हृदय पत्थर हो जाते हैं। गाय के नाम पर लोगों को मार देंगे, इंसान को मार देंगे, इंसान से हाथ छूलें तो भैया ये पवित्र हो जाता है, मंदिर में घुसने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते। लड़की ने कोई दलित लड़का अगर पसंद कर लिया तो अपवित्र हो जाती है, लड़कियों को निकाल देते हैं। इंसान से नफरत इतनी और पत्थरों से इतना प्यार। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि भावना कैसे भड़कती है कैसे नहीं भड़कती। ये लोग हमेशा से हमारी भावनाओं को भड़काते हैं, इस देश के 90% लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं ये लोग, है ना। भावनाओं को भड़कना कैसा होता है कि भगवान के जो बना रखा है उन्होंने, उनके हाथ लगा के एक आदमी अपवित्र कर देगा, भावना नहीं भड़केंगे क्या, पूरा समाज अपवित्र कर देगा क्या। एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो निकल कर जाता है तो उसकी कोठी को धोया जाता है धूप से, ये भावना नहीं भड़कती है क्या, भावना भड़कती है। जिस गाय को माँ मानते हैं वो गाय प्लास्टिक खा रही है, भावना नहीं भड़कनी क्या लोगों की है। जिसको ये गंगा माँ मानते हैं उसमें सारे लोग शौच करते हैं, इतनी गंदी पूरी दुनिया में नहीं नदी होगी, उस भावना नहीं भड़कती क्या, भड़क नहीं भड़कती क्या। तो भावना तो ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, भावना तो ये कर रहे हैं भैया। धर्म एक आपकी इंडिविजुअल एक होगी, आप पत्थर को मानो, आप गाय को भगवान मानो, आप भैंस को मानो, आप गोबर को मानो, आप किसको मानो, तुम्हारी अपनी है। दूसरे आदमी पर आप थोप नहीं सकते, आप ये थोपेंगे कि नहीं, आपको मानेंगे शक्ति यहाँ से आ रही है, शक्ति नहीं, शक्ति तो संविधान से आ रही है। अगर संविधान इस देश में नहीं होता तो मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं होता, मैं वकील नहीं बन पाता, मैं पैसे नहीं कमा पाता, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, मैं अच्छा जीवन नहीं जी पाता, तो शक्ति तो यहाँ से आ रही है मेरे पर, मैं तो संविधान को मानता हूँ। FIR करो, मैं तो रात दिन FIR ही कर जाता हूँ, मैं तो FIR को स्वागत करता हूँ, करो ना, किसी के बाप में ताकत है तो करके दिखाए FIR। मैं बोल रहा हूँ सरकारों की बाप में ताकत है तो FIR करके दिखाए, मैं तैयार हूँ ना, करें FIR, करते ही नहीं, हम पे तो करते नहीं। लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, संविधान पढ़ता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे, मैं उनका मानने वाला हूँ। करें ना FIR, कौन ना करें FIR, करें तो सही, कम से कम रिकॉर्ड तो बनाए, इतिहास तो बने कि हाँ किन चीज़ों पर FIR होती थी यहाँ पर। बोलें ये बोलना नहीं रोक सकते हैं, ये बोलना नहीं रोक सकते हैं, बोलें, हम बोलेंगे, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, बोलते बोलते इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि अपने बच्चों को कुछ दे के जाएंगे। जो आदमी अपने जनरेशन को कुछ दे के नहीं जाता है वो देश को अच्छा नहीं बना सकता है। ये लोग कहते हैं ऊंच नीच ना समाज में, अगर किसी खेत में ऊंच नीच होगी तो अच्छी पैदावार हो सकती है क्या, उसको समतल करना पड़ेगा ना। समाज में ऊंच नीच रहेगी अच्छा समाज बन सकता क्या, कभी नहीं बन सकता अच्छा समाज। तो ये अच्छा समाज बनाता, अच्छा समाज नहीं होता अच्छा देश नहीं बन सकता। इसलिए समाज में जो ऊंच नीच बना रखी है ना, इसको समतल करो, अगर समतल नहीं करेंगे ना तो तुम लोगों से हिसाब लिया जाएगा, एक एक बात का, हर बच्चा बच्चा हिसाब लेगा तुमसे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप कर देंगे जो कुछ करना है, मगर आने वाली पीढ़ियों को आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि तुमने दूसरे लोगों का माल खा रखा है। तुम इतने मोटे मोटे कैसे हो रहे हो, कोई आदमी फालतू खाएगा किसी आदमी का जब भी, तो इतना मोटा होगा, पेट कैसे निकल रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमने दूसरे आदमी का खाना खा रहे हो। जो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं उसको खाना खा रहे हो तुम, रात को 18 घंटे काम करते हैं तब मेहनत करके खाना खा रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो हराम का खाना खा रहे हैं। मंदिर में कौन सी मेहनत है जी, काय की मेहनत है मंदिर में, मंदिर में बैठ के काय की मेहनत है, प्रधानमंत्री जी की काय की मेहनत है बताओ। 18 घंटे तो किसान कर रहा काम,
रात को भी किसान काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है बेचारे को? उसका देखो गाल जरा, देखिए ना बेचारे को, उसका चेहरा देखो, ऐसा जैसे उसका सारा खून निकाल लिया हो। महिलाओं को देखो बेचारी को, देखो ना महिलाओं को। हाँ, तो आप जो अंदर बैठ के जो हराम का इस देश में खा रहे हैं, हम लोग तो सड़क बनाते, हम लोग संसद बनाते, हर बिल्डिंग की बुनियाद हम रखते, लिपाई पुताई सिनाई सब हम करते हैं, हमारे लोग सुबह सुबह सफाई करते हैं देश की, सब कुछ। तो देश का निर्माण हम कर रहे हैं, देश का निर्माण हम कर देते हैं, मजे वो ले रहे हैं, मॉल हम बनाते हैं, खरीदारी वो करते हैं, मेट्रो ट्रेन हमने बना दी, जाते वो हैं, हवाई जहाज फिर उनको है। हाँ, यही क्वेश्चन है आपका, बढ़िया जीता क्यों नहीं? ये मेरे हाथ में होता तो मैं तो बटन बढ़िया वाला दबाता। देखो डेमोक्रेसी में नंबर गेम है। हाँ, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जब करोगे, जब ही कर सकते हो जब सत्ता में होगे। सत्ता आपके पास है और उनके पास में बहुमत नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे 2022 का, 41% वोट बीजेपी को आई है और 59% विपक्ष को आई है। अगर विपक्ष एक साथ हो जाए तो बीजेपी पूरे देश में कहीं नहीं जी सकती है। अफसोस की बात यह है कि विपक्ष एक साथ नहीं है, अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने पर्सनल उनके इंटरेस्ट हैं, कोई ईडी से डरा हुआ है, कोई सीबीआई से डरा हुआ है।